हेलो एवरीवन, दिस प्रभा सिंह एम्यूज़ म्यूजिक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें प्रभात रे के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उनको 2022 में पद्म विभूषण मिला है। तो आपके जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें क्वेश्चन से बन सकते हैं क्योंकि पद्म विभूषण इनको मिला है। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 1932 में हुआ था महाराष्ट्र पुणे। और अगर इसके घराने की बात करें इनके तो किराना घराना है, स्वर योगिनी नाम से भी विख्यात हैं। प्रभा अत्रे द्वारा लिखित जो बुक है, अगर हम बुक की बात करें तो उन्होंने बुक लिखी है स्वरामयी, ठीक है। और ये इनके गुरु कौन माने जाते हैं, हीराबाई बड़ोदकर। अब आपको पता होना चाहिए हीराबाई बड़ोदकर जो हैं कहाँ से हैं, किराना घराने से। इन्होंने ख्याल की शिक्षा अमीर खान से ली थी और ठुमरी की शिक्षा कहाँ से ली थी, बड़े गुलाम अली खान से, ठीक है। बड़े गुलाम अली खान से इन्होंने शिक्षा ली थी ठुमरी की। अगर हम देखें इनके द्वारा रचित रागे कौन कौन सी आती है तो दरबारी कौन सा आती है, पटदीप मल्हार आती है, शिव काली आती है, तिलंग भैरव आती है, और भी काफ़ी सारे रागे हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ही इनके बारे में पढ़ना है क्योंकि आपका क्वेश्चन इनसे बन सकता है। बिकॉज इनका 2022 में इनको अवार्ड जो मिला हुआ है पद्म विभूषण, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हम इनके बुक की बात करते हैं तो इनकी बुक कौन सी आती है, स्वरांगिनी और स्वरंजनी, ठीक है। कौन सी बुक आती है, स्वरांगिनी और स्वरंजनी, तो आपको इनको ध्यान रखना है इस चीज़ का, स्वरांगिनी और स्वरंजनी। अगर हम इनके उपाधि की बात करें तो इनको गण प्रभा की उपाधि मिली थी, ठीक है। इनका अगर हम देखें गण प्रभा के नाम से कौन जाना जाता है तो प्रभात्रे, ठीक है। 1990 में इनको पद्मश्री मिला था, 1991 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, और अगर हम बात करें 2002 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, और 2002 में इनको कलाश्री पुरस्कार भी मिला था, और अब भी 2022 में रिसेंटली जनवरी में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।